अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चार सब क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से पहला सब क्वेश्चन ये है। ठीक, तो इसको आप कैसे करोगे, क्या दिया है यहाँ पे, हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखो, ये फंक्शन दिया गया है, जब x का वैल्यू क्या है, जीरो के इक्वल नहीं रहेगा तब हमें ये फंक्शन लेना है, और जब x का वैल्यू जीरो के इक्वल रहेगा तो फिर हमें ये लेना है, k लेना है। ठीक है, और आगे क्या बोला जा रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो देन फाइंड के, यानी ये जो फंक्शन है ना, ये इस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो फिर हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे आप लिख दो सॉल्यूशन, राइट। तो ये जो आपका फंक्शन है ना, ये अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ओके, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे लिख दीजिएगा इफ, ओके, यहाँ पे लिखिएगा इफ, और यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए थोड़ा सा इधर, ठीक है। इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, देन देखिए अगर ये कंटिन्यूअस है तो यहां पर f ऑफ जीरो इक्वल होगा किसके, लिमिट x टेंस टू जीरो के। बात समझ में आई कि नहीं। देखिए देखिए, जब ऐसा कुछ दिया रहता है, ऐसा क्वेश्चन, तो हम उसको कब कंटिन्यूअस मानते हैं, जब उसका फंक्शनल वैल्यू और लिमिट दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने वही कंडीशन उठाई और यहाँ पर ला करके लिख दिया। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया था, कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा, बोला गया कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही, राइट। अब चलिए आगे करते हैं, एफ ऑफ जीरो यानी जब x का वैल्यू जीरो रहेगा तो फिर हमें क्या लेना है, k लेना है, यहां पर आ जाएगा k। ठीक, अब देखो यहां पे लिमिट x टेंस टू जीरो f ऑफ x क्या लेंगे, जब x का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं रहेगा तो फिर ये लेना है, ये वाला फंक्शन। तो लिख दीजिए आप 24 रेज टू x माइनस 8 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 अपॉन 12 रेज टू x माइनस 4 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है बताती हूँ आपको, ध्यान से बस देखते जाइए, काफ़ी इजी है, बस एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने आपको पहले बताया भी है। अब ये जो 24 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 रेज टू x इंटू 3 रेज टू x, जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 8 थ्री सा क्या होता है, 24 होता है। उसके बाद माइनस 8 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1। अब क्या करें, इसको कैसे लिखें, इधर 4 और 3 है ना, तो यहाँ पे भी 4 और 3 लाने की कोशिश करो, जैसे यहाँ पर 8 और 3 था तो 8 और 3 हम लेकर क्या है, उसी तरीके से यहाँ पे 4 और 3 है तो कैसे आएगा, देखो 4 रेज टू x इंटू 3 रेज टू x, हमने क्या किया, ये 12 रेज टू x जो था उसको इस तरीके से लिख दिया, उसके बाद माइनस 4 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1। अब उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर पहले आप लिमिट लिखिए, लिमिट x टेंस टू जीरो। ठीक है, यहाँ से बताइए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें इतने में देखना, 8 रेज टू x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये देखिए ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 3 रेज टू x माइनस 1 आएगा, है ना, ये तो बाहर जा चुका है। फिर यहाँ से हम माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 3 रेज टू x फिर माइनस 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस में है। फिर अपॉन यहाँ से 4 रेज टू x को बाहर ले लीजिए, देखो इसमें तो बचेगा क्या, 3 रेज टू x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 को बाहर लेंगे तो 3 रेज टू x माइनस 1 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब क्या करें, देखो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 3 रेज टू x माइनस 1, यहाँ पे भी वही है तो इसको बस एक ही बार लिखना है, 3 रेज टू x माइनस 1, फिर इसको एक ब्रैकेट में करके लिख दो 8 रेज टू x माइनस 1 इस तरीके से, अपॉन में देखो 3 रेज टू x माइनस 1 यहाँ पे भी तो एक ही बार लिखेंगे 3 रेज टू x माइनस 1, फिर इसको एक ब्रैकेट में करके लिख दो 4 रेज टू x माइनस 1। ठीक है, इतना बात समझ में आए, लिमिट को थोड़ा हम बीच में लिख देते हैं, देखिए ऐसे लिमिट x टेंस टू 0, ओके। अब इधर क्या था, k k यहाँ पे भी k। अब क्या करें, चलो बताती हूँ, देखो जी कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये देखो 3 रेज टू x माइनस 1 यहाँ पे भी तो इन दोनों को कर दीजिए कैंसिल, ओके। अब जो बचेगा उसे आप लिख दीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे k
इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, ये तो कैंसिल हो चुका है, बचा क्या है, एट रेज टू एक्स माइनस वन, यहां पे लिख देते हैं एट रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन क्या है यहाँ पे, फोर रेज टू एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फोर रेज टू एक्स माइनस वन, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक रीजन भी लिखना है कौन सा, देखो इन दोनों को कैंसिल किया था ना, तो अभी इसको लिखोगे कैसे वो ध्यान से देख लो, एक्स टेंस टू क्या है, जीरो है, राइट, यानी थ्री रेज टू एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, थ्री रेज टू जीरो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे थ्री रेज टू एक्स इज नॉट इक्वल टू, थ्री रेज टू जीरो मतलब वन, राइट, तो यहां पर लिखिए सो देयर फॉर थ्री रेज टू एक्स, वन को इधर ले लो, माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, देखो आपको याद आ जाएगा, अभी मैं आपको लिख करके बताऊंगी, तो ये वाला लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और फिर यहाँ पे ए रेज टू एक्स माइनस वन, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी पूरा याद आ जाएगा, रुकिए, अपॉन एक्स, अगर ऐसा कुछ रहता है तो इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या लिखते हैं, लॉग ए लिखते हैं, है ना, याद आया कि नहीं, तो यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अभी तो यूज नहीं कर सकते, है ना, क्या करेंगे, कैसे यूज करें, तो देखो अगर मैं ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दूं तो फिर ये फॉर्मूले के फॉर्म में हो जाएगा और मैं ये वाला फॉर्मूला यूज, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, जी हाँ कर सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग इसके फॉर्मेट में करते हैं, तो k विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो फिर यहाँ पे एट रेज टू x माइनस वन अपॉन x अपॉन फोर रेज टू x माइनस वन अपॉन x, मैंने क्या किया ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो लिमिट है ना वो दोनों के पास चला जाएगा, यानी इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो फिर यहाँ पे एट रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, फिर पूरे के अपॉन में नीचे भी लिमिट को ले लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू जीरो फिर उसके बाद थ्री, थ्री नहीं फोर, क्या यहाँ पे फोर रेज टू एक्स है ना, तो लिखेंगे हम फोर रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब उसके बाद ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो जब आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, लॉग ए, लॉग ए का मतलब क्या, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो हमें लॉग के साथ में लिखना है, तो यहाँ पर इधर क्या है एट है ना, तो क्या आएगा लॉग एट आएगा, ठीक है। देखिए इधर नीचे मैं आपको लिख करके बताती हूँ, के विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा लॉग एट, समझे कैसे आया, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ये वाला, ठीक है, आपको इसके बगल में ये वाला फॉर्मूला लिखना चाहिए, आप लोग प्लीज लिख लेना, ओके, मैंने तो ऊपर लिख दिया, आप नीचे लिखिएगा, लॉग एट अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इधर देखो ए के प्लेस पे क्या है फोर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग फोर, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, तो ये जो एट है ना इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पता है लॉग टू का, और टू का क्या लिख सकते हैं क्यूब, है ना, क्योंकि टू का क्यूब क्या होता है एट ही होता है, तो यहाँ पे टू क्यूब लिख दिया। अभी ये जो फोर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग टू का स्क्वायर, अब लॉग की एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, अगर इसके पावर में कुछ है तो वो आगे आ जाता है, यानी इस तरीके से देखो थ्री आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा लॉग टू अपॉन टू आगे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा लॉग टू इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपने प्रॉपर्टी का यूज किया उसे आपको लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखिए सिंस लॉग एम रेज टू एन विच इज इक्वल टू एन आगे आ जाता है एन इंटू लॉग एम हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको लिख करके दिखाना चाहिए, और इसके बगल में कहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी आपको लिख करके बताना है, ये नीचे नीचे लिखते जाना है आपको, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, लेकिन आप प्लीज ऐसे नीचे नीचे करके अच्छे से लिखना अपने नोटबुक में, ओके। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे के विच इज इक्वल टू, अभी ये आया ना, तो लॉग टू से लॉग टू को कैंसिल कर दो, थ्री बाई टू बचा यहाँ पर, तो देखिए फाइनली के का वैल्यू हमको मिल ही गया, के का ही वैल्यू निकालना था, निकाल लिया हमने थ्री बाई टू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दे आर फोर k which is equal to 3 by 2, ये लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी आप लोग लिखिएगा जरूर, ओके, भूलिएगा नहीं, किसके बगल में लिखोगे, इसके बगल में, फिर उसके बाद इसके बगल में ये लिखना, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे आपका फोर्थ का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसको देखिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये देखिए सेकेंड सब क्वेश्चन तो फर्स्ट सब क्वेश्चन के जैसा ही है, यहाँ पे ये फंक्शन दिया गया और क्या बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ना इस पॉइंट पे क्या है कंटिन्यूअस है, तो फिर आप के का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लिखिए देन एफ ऑफ जीरो ये किसके इक्वल होगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो फिर ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, एफ ऑफ जीरो और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या, जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो फिर हमें ये लेना है ना, के लेना है। देखो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं के विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। जब एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा तो फिर हमें कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला फंक्शन लेना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइव रेज टू एक्स प्लस फाइव रेज टू माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए, बस आप यहाँ पे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर क्या होगा फाइव रेज टू एक्स, अब ये जो है ना फाइव रेज टू माइनस एक्स, अगर मुझे यहाँ से माइनस हटाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ वन अपॉन फाइव रेज टू एक्स, है ना। इस देखो इसका जो पावर था पहले माइनस में था, समझने की कोशिश करना, जैसे यहाँ पे है फाइव रेज टू माइनस एक्स, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ वन अपॉन फाइव रेज टू एक्स, यानी इसका जो पावर था पहले माइनस में था, जब ये नीचे जाएगा ना तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, पहले इसका पावर माइनस में था तो जब मैंने इसको ऐसे नीचे ले लिया तो इसका जो पावर है वो प्लस में हो गया, फिर माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, है ना, इतना तो कर लिया, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। हाँ जी हाँ, कर सकते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई एक में हो जाएगा, चलिए करते हैं ना। अभी देखो आगे आगे बस आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव रेज टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, होगा कि नहीं, देखो फाइव रेज टू एक्स इंटू फाइव रेज टू एक्स क्या हम लिख सकते हैं, फाइव रेज टू एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो बस वही लिखा है। उसके बाद यहाँ पे प्लस वन अपॉन में आएगा फाइव रेज टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया ना, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, अभी इसके साथ नहीं किया है ना, तो इसको इसलिए अलग लिखा है हमने। अब क्या करेंगे, अगेन इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, फाइव रेज टू एक्स का मल्टीप्लाई इस टू में हो जाएगा, तो कैसे होगा चलिए बताती हूँ आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे k विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, फिर उसके बाद इसको एक ब्रैकेट में करो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, ठीक ब्रैकेट लगा दीजिए। अब फाइव रेज टू एक्स का मल्टीप्लाई टू में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइव रेज टू एक्स इसका स्क्वायर, फिर क्या है देखो प्लस वन, तो प्लस वन लिख दिया, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस टू, और फिर इधर आएगा फाइव रेज टू एक्स, ठीक है। फिर ये पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, फाइव रेज टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, हाँ जी हाँ समझ में तो आई होगी, कितना आसान है सब कुछ। अब एक काम करते हैं, फाइव रेज टू एक्स को नीचे ले लेते हैं, तो चलिए ले लेते हैं, देरी किस बात की। यहाँ पे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और अब क्या होगा देखिए, एक और यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखो फाइव रेज टू एक्स और फिर इसका स्क्वायर, राइट, और इसको मैं पहले लिखूँ वन को बाद में, तो माइनस टू, फिर यहाँ पे फाइव रेज टू एक्स और फिर ये वन को इधर लिख देते प्लस वन, खाली वन है ना, तो वन का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा, ठीक है। और ये जो फाइव रेज टू एक्स है इसको नीचे ले लो, तो फाइव रेज टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, आपने ये फॉर्मूला देखा है कि नहीं, देखो जी ये वाला a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसी के जैसा आपको दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, समझो ये आपका a है ये आपका b है, फाइव रेज टू एक्स ए है, वन आपका क्या है b है, तो देखो फाइव रेज टू एक्स का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी मतलब वन, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे वन से करेंगे तो वही आएगा, ठीक है, तो टू फाइव रेज टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे k विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, फिर इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे,
ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है बताइए, फाइव रेस टू एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइव रेस टू एक्स माइनस बी क्या है वन, और फिर इसका स्क्वायर नीचे फाइव रेस टू एक्स इन टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, यहाँ तक तो पहुँच गए, हमको k का वैल्यू चाहिए, अभी तक नहीं मिला, तो क्या करेंगे बताएं। सुनिए, यहाँ पे लिखेंगे k इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो। और यहाँ पर क्या होगा ना, देखो क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या है, फाइव रेज टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, फिर नीचे क्या है x का स्क्वायर। तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, ये जो फाइव रेज टू एक्स है इसको अलग कर देते हैं। तो जब दोनों को एक साथ लेकर के लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो ऐसे फाइव रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और फिर ये पूरे का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो एक ही स्क्वायर हमने लगा दिया। स्क्वायर स्क्वायर मतलब ये जो स्क्वायर था ये दोनों का, इसको हमने समझिए कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर इधर इंटू वन अपॉन फाइव रेज टू एक्स, ठीक है, इतना क्लियर है। अब बताइए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने क्या सीखा था कि लिमिट जो है वो दोनों के पास चला जाएगा। देखो ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो लिमिट जाएगा दोनों जन के पास, तो क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसके बाजू में मैं लिखती हूँ, आप नीचे करके लिखिएगा, नीचे 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 लिमिट यहाँ पे चला जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, फिर ये पूरा लिख दीजिए फाइव रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स द होल स्क्वायर, फिर लिमिट इसके पास भी जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन टू लिमिट x टेंस टू जीरो वन अपॉन फाइव रेज टू एक्स, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किया था ना वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, ओके। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए k विच इज इक्वल टू, इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं log 5, और ये देखो स्क्वायर है ना, तो फिर यहाँ पे ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू इधर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन फाइव रेज टू जीरो, ओके। कौन सा फॉर्मूला यूज किया लिख करके आपको बता दूं, देखो जी भूलना नहीं, ये फॉर्मूला तो बहुत मेन है, इसको याद रखो, ऐसे लिमिट x टेंस टू जीरो, फिर a रेज टू x माइनस वन अपॉन x, ऐसे कुछ रहता है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे फिर भी चलेगा। तो फिर आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, लॉग a, राइट। तो वही तो था, इस फॉर्म में था कि नहीं, देखो ना इससे इसको कंपेयर करो, इस फॉर्म में था तो मैंने यहाँ पे log 5 लिख दिया, फिर स्क्वायर था ना तो स्क्वायर लिख दिया, फिर 1 अपॉन यहाँ पे x के प्लेस पे x का वैल्यू पुट किया 0, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे ये तो log ऐसे ही रहेगा, log 5 का स्क्वायर इन टू, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखना, 5 रेज टू 0 मतलब क्या 1, तो यहाँ पे 1, तो 1 से 1 कट जाएगा यानी 1 आएगा, log 5 स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही आएगा, यानी k का वैल्यू हमको मिला क्या, यहाँ पे लिख दीजिए therefore k is equal to log 5 और फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, यही तो है आपका फाइनल आंसर, k का ही वैल्यू निकालना था ना, देखो फाइंड k, तो k का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, बात समझ में आई आपको। तो ये था आपका सेकेंड वाला सब क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखो अगर आपके पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको इस सम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि लिमिट्स को अच्छे से करो, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, फिर देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा थर्ड वाला सब क्वेश्चन, इसमें हमें ना ए का वैल्यू बताना है और बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ना ये क्या है, कंटिन्यूअस है फॉर एवरी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा तो फिर हमें ये फंक्शन लेना है, और जब x का वैल्यू जीरो और टू के बीच में होगा या तो टू के इक्वल होगा तो फिर हमें ये फंक्शन लेना है, और जब x का वैल्यू ग्रेटर देन टू होगा तो फिर हमें ये फंक्शन लेना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, अभी देखना इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको फटाक से इसका आंसर मिलेगा, यानी a और b के वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x, ठीक है। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है ये जीरो पे भी कंटिन्यूअस होगा और टू पे भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे देयर फॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट
एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू टू, यानी जब x का वैल्यू जीरो होगा तभी भी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा, और जब x का वैल्यू टू होगा तभी भी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x, मतलब ये जीरो पे भी कंटिन्यूअस होगा और टू पे भी कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि एज, यहाँ पे लिखा ना मैंने कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो पे क्या है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखो कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा, सही है ना, यही तो कंडीशन था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, यही था ना। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे मैं लिखती हूं, क्या लिखूंगी, देखिए यहां पे हम लिखेंगे कि लिमिट, सो देयर फॉर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसके इक्वल होगा, राइट। अब देखिए यहां पे क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, अभी फंक्शन हम कौन सा लेंगे, यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो जीरो से कम है, तो जीरो से कम रहा तो कौन सा वैल्यू हमको लेना है, मतलब कौन सा फंक्शन लेना है, तो ये देखो यहाँ पे फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, जब जीरो से छोटा है तो फिर हमें ये फंक्शन लेना है, ले लेते हैं, क्या है यहाँ पर ए एक्स प्लस टू बी प्लस 18, ओके इतना हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, अब यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन लेंगे, तो जब x का वैल्यू क्या है जीरो के जीरो से बड़ा है तब हमें कौन सा लेना है, कौन सा फंक्शन, ये तो जीरो के इक्वल वाला है और जीरो से कम वाला है, यहाँ पे देखो जब x का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो फिर ये फंक्शन लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस बी, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए x के प्लेस पे जीरो रखो तो क्या हो जाएगा, जब x के प्लेस पे यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, टू बी प्लस 18 बचेगा, ये तो जीरो हो जाएगा ना, a इंटू जीरो करोगे तो जीरो ही होगा, समझ रहे हो कि नहीं, चलो अच्छे से थोड़ा लिख देती हूँ, है ना, सब कुछ आपको लिख करके दिखाती हूँ। देखो a इंटू जीरो प्लस टू बी प्लस 18 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो x का वैल्यू जीरो पुट करो तो जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो ही आएगा, प्लस 3a माइनस बी, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 18, अब एक काम करो, क्या काम करेंगे, b को इधर ले लो, तो b को इधर लोगे तो प्लस b हो जाएगा, इधर आने के बाद इधर 3a है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, 2b बी प्लस 1b क्या हो जाएगा, 3b बी विच इज इक्वल टू 18 को उधर ले लो तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 18, या फिर एक काम करते हैं इसको इधर ही रहने दो, रुकिए बताती हूँ आपको, देखो 2b बी प्लस बी 3b यहाँ पे हो जाएगा प्लस 18 विच इज इक्वल टू 3a। अब हम एक काम करते हैं, हर एक को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 3 वन सा 3 3 सिक्स 18, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखो b और ये क्या है प्लस 6 है ना, 6 को उधर ले लो तो क्या हो जाएगा a, और 6 उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिली, b की वैल्यू मिली है, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब आगे चलिए, आगे क्या करना है, जैसे आपने इसको किया ना उसी तरीके से आगे भी हमें करना है। अभी हम क्या लेंगे पता है, पॉइंट ये लेंगे, ये वाला पॉइंट, ठीक, देखो यहाँ पे लिखिए ऑल्सो, हमने क्या देखा था, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, तो यहाँ पे लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल आएंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सो देयर फॉर लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस, लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आएंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स, अभी कौन सा हम फंक्शन लेंगे, जब x का वैल्यू 2 से छोटा हो तो हमें क्या लेना है, ये देखो जब 2 के इक्वल या फिर 2 से छोटा रहेगा तो फिर हमें ये फंक्शन लेना है, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर
प्लस 3a माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी विच इज इक्वल टू, अब देखो जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा तो ये लेना 8x माइनस 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और फिर यहाँ पे 8x माइनस 2। अब इसको आगे सॉल्व करिए, x का वैल्यू 2 पुट करो इधर तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो इधर लिखते हैं देखो 2 का स्क्वायर या तो 4 आता है, डायरेक्ट यहाँ पे कर दूँ मैं, इधर 4 लिख देती हूँ ठीक है, प्लस 3a माइनस बी विच इज इक्वल टू, यहाँ पर x का वैल्यू पुट करो तो 8 टू 16 माइनस 2, अब क्या होगा तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, 4 को भी उधर ले लेते ना, इधर 3a माइनस बी, 4 को भी उधर ले लो, 16 माइनस 2 करोगे तो 14, 4 को उधर लिया तो माइनस 4, यानी 3a माइनस बी विच इज इक्वल टू 14 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बताएं, देखो हमें b का वैल्यू मिला था ना a माइनस 6, तो इसमें हम b का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इधर 3a माइनस b का वैल्यू क्या मिला था a माइनस 6, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a माइनस 6 विच इज इक्वल टू 10। ये हमने कहाँ से लिखा, इक्वेशन 1 से लिखा, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब उसके बाद देखो 3a लिखा माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10 ठीक है। अब एक काम करते हैं 3a माइनस ए करेंगे तो 2a, 6 को उधर ले लो तो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 2a, अच्छा 2 को भी उधर ले लेंगे ना, तो यहाँ पे देयरफॉर a इज इक्वल टू 10 माइनस 6 करोगे तो 4, 2 को उधर लिया तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 2 वन 2 2 टू 4, यानी कि a का वैल्यू हमें क्या मिला, 2 मिला, जी हाँ a का तो वैल्यू मिल चुका है, अब हमें b का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम लोग a का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, b इज इक्वल टू a माइनस 6, a के प्लेस पे 2 लिखना तो 2 माइनस 6 क्या आएगा, माइनस 4, यानी b का वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस 4 मिला ठीक है। यही तो हमें निकालना था ना, a और b के वैल्यूज हमें निकालने थे, देखो बोला गया था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b इज द फंक्शन, यानी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x ठीक है, तो a और b के कौन सी वैल्यूज होंगी जब ये कंटिन्यूअस होगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 और b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4, यहाँ पे लिख देते देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 4। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन ठीक है, फोर्थ वाला उसको हम लोग करते हैं, फोर्थ सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ सब क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसको लिखिए फिर हम देखते हैं आगे। ये देखिए फोर्थ सब क्वेश्चन तो थर्ड के जैसा ही है, थर्ड में हमको क्या निकालना था, ए और बी के वैल्यूज निकालने थे, देखिए यहाँ पे भी आपको ए और बी के ही वैल्यूज निकालने हैं, और क्या बोला गया है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अभी डोमेन मतलब क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने फंक्शन चैप्टर में ऑलरेडी सीखा है, समझिए ये सेट ए है सेट बी है ठीक है, और ये आपका एक्स है ये आपका वाई है ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, ये जो पहला सेट होता है इसको हम डोमेन कहते हैं, दूसरे सेट को क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, पता है ना, फंक्शन चैप्टर में आपने सीखा ही होगा क्योंकि फंक्शन लेसन में यही सब तो था, डोमेन एंड कोडोमेन राइट। तो ये जो पहला वाला सेट है ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। तो यहाँ पर डोमेन की बात की जा रही है ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, यानी एक्स के जो भी कुछ वैल्यूज होंगे ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा, यानी हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी एक्स ठीक है, एवरी एक्स मतलब हर एक x की जितनी भी वैल्यूज होंगी, जो भी वैल्यूज होंगी इस सेट के अंदर, जो भी वैल्यूज आएंगी हर एक पॉइंट पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आई कि नहीं, मतलब ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, वहाँ पे एवरी x लिखा हुआ था, यहाँ पे डोमेन लिख दिया है, लेकिन बात तो वही है ठीक है, पिछले वाले का मतलब भी यही था और इसका भी मतलब यही है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, देखो अगर आपका फंक्शन हर एक एक्स पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो फिर जब एक्स का वैल्यू 2 होगा तो भी ये कंटिन्यूअस होगा, और जब एक्स का वैल्यू 3 होगा तो भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद अब आप यहाँ पे लिखिए कि एज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। टू पे क्या है, ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट। अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू टू माइनस, अभी फंक्शन के प्लेस पे क्या लिखेंगे समझिएगा, जब x का वैल्यू टू से छोटा है तो फिर हमें कौन सा फंक्शन लेना है, देख लीजिए यहाँ पे व्हेन x इज लेस देन टू देन ये वाला फंक्शन लेना है, तो ले लेते हैं क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू टू प्लस कौन सा फंक्शन लेंगे, जब x का वैल्यू टू से ज्यादा है तो कौन सा फंक्शन लेना है, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू देन ये वाला फंक्शन लेना है, तो लिखते हैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को ऐसे लिख सकते हैं टू का स्क्वायर, सही है ना, फिर उसके बाद माइनस टू एक्स माइनस टू अपॉन में लिख दिया, और इसको तो अभी ऐसा ही रहने दो, बाद में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब एक्स का वैल्यू दोनों में एक साथ पुट करेंगे, इसको जैसा का तैसा लिख दीजिए, ठीक है, इतना समझ में आया। अभी को यहाँ पे हम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो लिमिट x टेंस टू टू, फिर ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा x माइनस टू और फिर यहाँ पे x प्लस टू फिर अपॉन में x माइनस टू ब्रैकेट क्लोज, और इसको जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया वो आपको लिख करके रीजन में दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब क्या करना है, यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो एक्स माइनस टू ये दोनों को कर दीजिए कैंसिल, कर दिया हमने कैंसिल, तो अभी हम लिखेंगे क्या, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयर फॉर लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस क्या है यहाँ पर बचा क्या है x प्लस टू, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस टू, राइट। फिर इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू टू प्लस फिर क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर, ये देखो फिर माइनस बी एक्स प्लस थ्री, ठीक है। और एक रीजन हम यहाँ पे इसका लिखेंगे कि x टेंस टू क्या है टू, सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू टू, फिर उसके बाद x माइनस टू इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। इतना समझ में आया, अब हम क्या करेंगे x के प्लेस पे x का वैल्यू पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू प्लस टू, देखो टू प्लस टू विच इज इक्वल टू यहाँ पे पुट करो तो a और यहाँ पे हो जाएगा टू का स्क्वायर फिर माइनस b इंटू टू प्लस थ्री। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, टू प्लस टू फोर और यहाँ पे टू का स्क्वायर तो फोर ए माइनस टू बी प्लस थ्री, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं करती हूँ इसको साइड में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे पता है आपको, ये जो 4a है या फिर ये माइनस टू बी को इस साइड ले लेते हैं, ध्यान से देखना माइनस टू बी को ना हमने इस साइड ले लिया, तो क्या हो जाएगा प्लस टू बी विच इज इक्वल टू बाकी सबको उधर, तो इधर 4a पहले से है, ठीक है, और प्लस थ्री भी है, अच्छी बात है, 4 को उधर ले लेंगे तो माइनस फोर हो जाएगा, राइट, माइनस फोर। अब क्या आएगा पता है आपको, इधर लिखो देयर फॉर बी इज इक्वल टू फोर ए, थ्री माइनस फोर करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन आएगा, और ये जो टू है ये इधर मल्टीप्लाई में इधर ले लीजिए तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमको बी का वैल्यू मिल चुका है, राइट। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये जो फंक्शन है ये टू पे भी कंटिन्यूअस है थ्री पे भी कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे ऑल्सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू थ्री, ठीक है।
तो अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दे आर फॉर लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट। अब देखो जब x का वैल्यू क्या होगा, 3 से छोटा होगा, तो फिर हमें कौन सा फंक्शन लेना है, जरा देखिए क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन लेना है जब 3 से छोटा होगा, तो लेस देन 3 देन ये वाला फंक्शन। तो लिख देते हैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस 3 माइनस बी एक्स प्लस 3 फिर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर जब x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा तो फिर हमें कौन सा फंक्शन लेना है, तो ग्रेटर देन 3 ये वाला 2x माइनस ए प्लस बी, राइट। अब x का वैल्यू पुट कर दो, क्या रखोगे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 रखूँ तो इधर 3 का स्क्वायर माइनस बी इंटू 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 रखो x के प्लेस पे, तो 2 इंटू 3 माइनस ए प्लस बी, राइट। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9a, फिर यहाँ पे माइनस 3b प्लस 3, फिर यहाँ पे 2 3 6 माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा बताए आपको, देखो मैं बताती हूँ, एक काम करते हैं, a और b को इधर ले लेते हैं, तो 9a, फिर a को इधर ले लो तो प्लस a हो जाएगा, इधर माइनस 3b है, b को इधर ले लो माइनस b हो जाएगा, 3 को उधर ले लो तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके आगे करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 9a प्लस a, तो यहाँ पे 10a हो जाएगा, माइनस 3 माइनस बी, माइनस 3b माइनस बी, माइनस 4b, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा। अब b का वैल्यू हमें जो मिला था वो इधर आप पुट कर दीजिए, तो क्या होगा आगे देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ ठीक है, या फिर इधर नीचे ही करते जाती हूँ और बाकी का बचा हुआ इधर, चलिए इधर ही करती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 10a माइनस 4 इंटू बी के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, देखो 4a माइनस 1 अपॉन 2 राइट इज इक्वल टू 3। अब देखो ये एक ब्रैकेट में रखो ऐसे, ठीक है, या फिर पूरे को ही ब्रैकेट में कर दीजिए, 4 फिर यहाँ पे 4a माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, इधर हम लिखेंगे 10a माइनस 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो माइनस 4 इंटू प्लस 4a, 4 4 जा 16, यहाँ पे माइनस 16a हो जाएगा, और 4 1 जा 4 दोनों भी माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, उसके बाद इसके अपॉन में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20a होगा, देखिए 20a माइनस 16a प्लस 4a अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है, बात समझ में आई। अब 2 को उधर ले लो, तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 को इधर ले लेंगे और 20a माइनस 16a करिए, कितना आएगा आंसर, 20 में से 16 जाएगा तो 4, यहाँ पर लिखेंगे 4a उसके बाद प्लस 4 लिख देते हैं। अब 2 को उधर ले लीजिए तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, 2 3 जा 6, अभी 4 को उधर ले लो तो 4a विच इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 4 को उधर ले लेंगे, देखो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 6 माइनस 4 क्या तो 2 आता है, और यहाँ पे 4, अब इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि a का वैल्यू हमें क्या मिला, 1 अपॉन 2, ये देखिए a का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया फाइनली। चलो इधर नीचे थोड़ा लिखती हूँ, देखिए यहाँ पर हमें a का वैल्यू क्या मिला, 1 अपॉन 2, तो इसको एक बॉक्स में कर देते हैं। अब हमें b का वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, अच्छा ये हमने कहाँ से लिखा था, इक्वेशन 1 से लिखा था, तो आपको यहाँ पे रीजन लिख करके दिखाना चाहिए फ्रॉम 1, ठीक है, कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, राइट। अभी इक्वेशन 1 में हम a का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, क्या लिखोगे, पुटिंग a इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे भी a है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो b विच इज इक्वल टू 4a, a के प्लेस पे 1 अपॉन 2 लिखिएगा, लिख दीजिए 1 अपॉन 2, फिर माइनस 1 अपॉन 2, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यहाँ पे आ गया 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 माइनस 1 करने पे क्या आता है, 1 आता है, यानी कि b का वैल्यू भी हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 ही मिलेगा। यहाँ पे लिखते हैं b इज इक्वल टू, देखिए देयरफॉर b इज इक्वल टू
वन अपॉन टू, ठीक है। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर ए और बी के वैल्यूज निकाल लिए, ए का भी वैल्यू वन अपॉन टू ही आया और बी का वैल्यू भी क्या आया, वन अपॉन टू। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फोर भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको ए और बी ही निकालना था, जो हमने निकाल लिया। ये देखो ए और बी, लास्ट में आप आंसर करके लिख दीजिएगा, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था उसी तरीके से यहाँ पर आंसर करके लिख दीजिएगा। ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू एंड बी इज इक्वल टू वन अपॉन टू, समझे। तो फाइनली आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है ये कंप्लीट होता है। इसमें चार क्वेश्चंस दिए गए थे, चारों के चारों मैंने आप लोग को सॉल्व करके बता दिया है। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुनो सुनो, और अगर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हो, ठीक है। हर एक लेसन का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियोस को देखिए, एक्सरसाइज से लेके मिसलेनियस तक। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।